खबर अजमेर के विजयनगर से है, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने भी भाग लिया। इस दौरान विधायक राकेश पारिक ने डिप्टी सीएम को कोरोना की जानकारी दी, साथ ही लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों की घर वापसी की मांग की। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा और ब्रजेश तिवारी भी मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सचिन पायलट साहब ने अभी जो प्रवासी लोगों को राजस्थान में लाने के लिए जो कमेटी बनाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसका मैं भी सदस्य होने के नाते आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी और मैंने सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दिया। आदरणीय सोनिया गांधी जी को और आपको धन्यवाद है कि उन्होंने जो हमारे प्रदेश के, हमारे जिलों के और खास तौर से मेरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लोग जो बाहर गए हुए हैं, उन लोगों को लाने के लिए आपने कदम उठाया है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमें निर्देशित किया, एक फार्म, ऑनलाइन फार्म भरा जा रहा है, वो फार्म आए हमारे पास भी आएगा और जितने भी जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए और जो लोग राजस्थान से बाहर हैं हमारे